अच्छा क्या हुआ, तुम्हारा पेट मोटा होने से वजह हाइट कम हो गई? हाइट कम हो गई, वाह भाई वाह, बड़ी। रुक जाओ, कुछ नहीं होने का, आगे वो होगा। ये आ गया स्पोर्ट मोड, ठीक है। अभी देखो, अभी जाएंगे। रोहित आप पागल है, चबी चबी सा हो रहा है, तुम्हारा अच्छे लग रहे तुम। पेट सही लग रहा है, अच्छी लग रही है ड्रेस मौसी ने दीदी ने, प्यारी लग रही है। मेरे बर्थडे पर क्या दे रहे हो? कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। एक अनमोल चीज देने वाली मैं आपको, जो कि आपको मेरे से गिफ्ट चाहिए। तो वो तो बाद में मिलेगी ना, तो बाद का सब कुछ है। तो बाद ये सब कुछ है, हर चीज का मिक्सचर दूंगी आपको, हर चीज का मिक्सचर मतलब बर्थडे का, एनिवर्सरी का, हर चीज का। ओहो, एक ही गिफ्ट दोगे? मैंने शिलू दिया था मैंने गिफ्ट आपको। चलो शिव भाई बाहर चलते हैं, कई वीडियोस वगैरह बनाते हैं। आपको बताया कि लास्ट वीडियो में जब हम दिल्ली गए थे तो हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया था, वो ठीक होने गई भी थी, अभी भी गई भी है, वो एक दो दिन में आ जाएगी। लेकिन उसके बदले मैंने बात की थी एमजी वालों से, तो उन्होंने मुझे ना एक दूसरी व्हीकल दे दिया है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी दिन से। युषरा ने अभी तक देखी नहीं है वो, तो मैं आपको दिखाऊंगा और युषरा को भी। अभी हम उसी कार में जाएंगे बाहर, थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बनाते हैं इंस्टा के लिए। और परसों मेरा बर्थडे है यानी 26th को, अभी तक कुछ भी प्लान नहीं किया, ऐसा लग रहा है कि मतलब दिल्ली नहीं कर रहा, बड़ी को एक्साइटमेंट ही नहीं है इस बार, क्योंकि सारी जो एक्साइटमेंट है वो बेबी की है। मतलब तो ऐसा लग रहा है कि क्या ही बनाऊं बर्थडे, अब तो बस जब भी बेबी का बर्थडे हुआ करेगा तभी मना लिया करूंगा। बाहर की जो सारे फोटोज तुम्हारे जितने भी घर में ही है, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, फिर काहे की टेंशन है। मैं खींचूंगा तुम्हारा, देखो कैसे खींच दो, क्या खींच दो, ऐसे लग रहा हाथी के हाथ सामने जी, ऐसे लग रहा है बिल्कुल। मेरी जैकेट हथियाली इसने और इतनी तेज है, मैंने कहा मेरे कबर्ड में रहने दो, जब भी चाहिए होगी वहां से पहन लेना। क्यों आप पहन लोगे फिर इसे? तो दोनों नहीं पहन सकते? पहन के दिखाना अच्छे कैसे लग रही है, देखो एप्पल पे भी इतनी गंदी नजर है, वाईफाई की नजर आ रही है उस पे, ऐसी है कि कोई खा न ले। अब आ रही तुम्हारे सही, तो पहले भी आ जाती, पेट ही तो मोटा होगा तुम्हारा, और पेट से तो लिया मैंने। आड़ू प्रसाद तुम्हारे मोबाइल से तो बन रही है वीडियो। ए यार क्या ही होगा तुम्हारा, क्या ही होगा, बस तुम्हारे जैसा हो गया हमारा बच्चा तो बस। भैया बताओ हमारा बच्चा इनके ऊपर जाना चाहिए मेरे ऊपर? आप दोनों पे, फिर दोनों को समझ सकते, कहीं मम्मी बोले तो मम्मी, पापा बोले पापा। कितने खुश हो रही है, तुम्हें कैसे चाहिए? कितनी कसौटी बोल दे, कितनी दांत दिखा रहे, नेचर तुम्हारे जैसा होना चाहिए। लेकिन हाँ सही कहा, दिल मेरे जैसा, नेचर मेरे जैसा, हाथ पैर भी मेरे जैसे, ऐसे नहीं बड़े बड़े देख रहे शिव भाई। अब हाथ पैर बड़े लग रहे, अब हाथ पैर शादी के बाद हाथ पैर बड़े लग रहे, पहले छोटे लगते थे। मैंने तो कभी छोटा बताया नहीं। शिव भाई ने भी मोबाइल लिया था iPhone 13, और पता नहीं क्या हुआ, वो बंदी हो गया, चला ही नहीं। अब क्या हो रहा है, स्टेटस बदल रहे हो या क्या, रो रहे हो गए शिव भाई? क्यों निकलता है किसी किसी के? अच्छा कैसी लगी आपको हमारी न्यू कार? मैंने देखी है अभी तक, बताओ जी मैडम ने अभी तक कार ही नहीं देखी हमारी। सो ये है हमारी न्यू कार, कैसी लगी? तुम्हें बताए ये इलेक्ट्रिक कार है, और पेट्रोल से निकल रही है, एक बार फुल चार्ज करो ना तो ये चलती है 400 किलोमीटर। अच्छा सो गाइस ये एमजी की कार है, इलेक्ट्रिक कार, क्योंकि अब आगे जाके जितने भी कार्स आएंगी मोस्टली 5 या 6 साल के अंदर अंदर पूरा इलेक्ट्रिक ही हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल प्राइस बढ़ रहे हैं, और ये सबसे अच्छी बात है ये पोल्यूशन नहीं फैलाती बिल्कुल भी। और देखो अभी स्टार्ट है आवाज नहीं आती इसमें, और इसकी पावर इतनी तेज है 8 सेकंड के अंदर ना 100 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। शिव भाई कलम चला रहे थे, कैसी भाग रही थी, मजा आ रहा था, खतरनाक। ध्यान से चला लो, अगर नहीं चला सकते तो कैब कर लो। भाई ये ऐसी चलती है, ये झटके मार मार के चलती है। हाँ तो इसके अंदर पावर ज्यादा है ना, तो इसलिए लग रहा तुम्हें वो। और ये अभी इकोनॉमिक मोड पर है बिल्कुल, मतलब लो मोड है ना, लो। अगर मैंने स्पोर्ट्स पे चला दी ना तो ये तो इतनी तेज चल रही है फिर भी। हाँ इसमें पावर बहुत है भाई, बहुत ज्यादा पावर है, देखो पता चल रहा है तुम्हें कार चल रही है।
है साइलेंट बिल्कुल ऐसी चलती है अगर स्पोर्ट्स पे चला दी ना अभी चला के दिखाऊंगा तुम्हें बस रहने दो जिंदा वापस आना मुझे घर बट एक्टर बड़ी है थोड़ी है ना हाँ वो थोड़ी ऊंची सी है नीचे हाँ। सी है ना तुम भी चला सकते हो स्ट्रेस को आराम से इसको ये एक्टिवा की तरह है इसमें कोई गियर नहीं है बस इसमें तुम लेकिन ये चल बहुत जल्दी रही है तेज तेज तो एकदम स्पीड पकड़ लेते हैं ना तो लेकिन ये चीज तो गलत है गलत है तुम्हारे हिसाब से गलत है ना भैया गलत नहीं अच्छा देखो अभी खाली रोड है ना ठीक है ना रहने दो भैया देखो इन्हें रुक जाओ कुछ नहीं होने का आगे वो ये आ गया स्पोर्ट मोड ठीक है अभी देखो अभी जाएंगे रोहित आप पागल है तो बंद करो इतनी तेज जा रही है ये कर दिया मैंने बस इस पे ही रहने दो इसको अभी इसे वेव दो ये तो हवा की तरह जा रही थी कैसे एकदम पीछे होते हाँ रहने दो बस मजा आता है ना आता तो है लेकिन ऐसी सिचुएशन में नहीं आता हाँ इसलिए मैंने हल्की चला रहा मैं इसको तो बस ये खाली रोड था इसलिए तुम्हें दिखा दिया मैंने अभी तो आप कल को अभिषेक और कन्नु को भी दिखाने वाले हो अपने कारनामे कर करके तो वैसे एक्चुअली पुरानी कार है और ये हमें एमजी ने इसलिए दी है क्योंकि हमारी हेक्टर जो है अभी रिपेयरिंग पर गई थी उसका एक्सीडेंट हुआ था इस वजह से तो मैंने उनसे बोला था तो ये चीज़ अच्छी लगी मुझे उनकी कि उन्होंने मुझे दूसरी कार दे दी बाकी तो कल हमारी कार आ ही जाएगी अपनी कार का अपना मज़ा होता है उसको हम कैसे भी चला सकते हैं इसको थोड़ा देख के चलाना पड़ जाए ना भाई कुछ भी हो जाए तो हमें बियर करना पड़ेगा यहाँ पे मैडम का देखो शूट होता हुआ पिक्चर्स क्लिक करा दिए मैडम तो आज मैं आपको एक बार बाहर से भी दिखा देता हूँ ये है पूरी इलेक्ट्रिक कार हमारी जो थोड़े टाइम के लिए हमारे पास आई हुई है देखने में यार अच्छी लग रही है ऐसे नो डाउट हेक्टर जितनी बड़ी नहीं है लेकिन सिटी ड्राइव के लिए मैं कहूँगा बहुत अच्छी है अच्छा स्पेस है अंदर भी और इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है इसका शिव भाई भाभी से बात करो भाभी से नहीं नहीं वो तो कॉल आ रहा था अच्छा रेंट का वो वहीं पे जाना है ना आईफोन का शोरूम अच्छा अब जाना है आपको 6 बजे बंद हो जाएगा नहीं तो हमारी हेक्टर भी हो गई रेडी फिर कब मिलेगी ऐसा करेंगे कल को आते हुए ले लेंगे वहाँ से हैं कल को बस मैं भी ले आऊँगा घर जाके तुम्हें छोड़ ड्रॉप करके फिर चला जाऊँगा चलो तो ये अभी वापस नहीं देनी एक का हमें देनी परसों तो लेकिन दो दो कार रोई तो क्या हो गया लोगों के पास चार चार दस दस कार हैं तुम दो कार तो हम कल को दिल्ली किसमें जाएंगे इसमें चले जाएंगे ना इसमें पेट्रोल भी नहीं लगने का हमारा हाँ ये तो है भाई जो बाहर हम अंडे खाते हैं उसकी बात ही अलग होती है ना और घर वाले नहीं होते ऐसे ये बताए कि ये ना बनते रहते हैं अच्छे हो जाते हैं ये बहुत अच्छे और फिर ये मसाले डाल देते हैं उसमें वो डाल देते हैं प्याज वगैरह तो और अच्छे लगते हैं बाहर के अंडों का घर के अंडे पता नहीं कैसे बनाते हैं थोड़ा सा भाई इंडे वगैरह तो बंदी हो गई या तो मेरे है दिमाग में या तो मैं जब भी लूँगा एक तो मर्सिडीज़ है भाई वो तो है कि मर्सिडीज़ कभी ना कभी तो लेनी है और न्यू लेनी है सेकेंड हैंड न्यू लूँगा जब भी लूँगा कार तो वैसे न्यू लेनी चाहिए है ना नहीं अगर सेकेंड हैंड अच्छी कंडीशन में मिल रही वो भी ले सकते हो बनवाया मतलब बर्थडे के लिए मैडम ने भी इतनी अच्छी ड्रेस ली है सहारनपुर से मंगवा रही है इतनी बढ़िया ड्रेस आप देखना बर्थडे वाले ब्लॉग में और मैंने भी अपने लिए एक बढ़िया सा एक सूट बनवाया है इसकी पसंद का उसके लिए आज नाप देना है वो कल डिलीवर कर देंगे यहीं पर भाई टेलर आपने मुझे आते हुए बताया एंड टाइम पे टेलर का अच्छा तो मैं पहले बताती फिर मैं आपको पहले कहती आरडी मॉल चलो आरडी मॉल चलो मैं रोटी खाऊंगा बस मैं चार बनाई आपकी मैंने किससे पूछ के बना दो चार इतनी सी है वो तो पूरी जैसी भाई एक रोटी खा चार रोटी बना दी जबरदस्त पूरी जैसी है चार रोटी क्यों लेकिन भाई इंसान एक रोटी खाएगा हां क्यों इतना बड़ा इंसान एक ही रोटी खाता है तुम कितनी खाती हो चार बस चार खा लो तुम तो बंद है टेलर की शॉप अब लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि यश्रा को ही नाप लेना पड़ेगा और क्या कहते तुम आता है दाम ले लूंगी वैसे देखते हैं कैसे ले और मुझे बाइसेप्स का नाप लेते देखो कितना यश्रा के पेट में दर्द हो रहा था काफ़ी तो हम सोच रहे थे कि डॉक्टर के पास दिखाएं डॉक्टर के पास जाएं लेकिन अभी थोड़ा ठीक है तो हम सोच रहे हैं 1 तारीख को जाने तो तभी चले जाएंगे है ना बट पहले तो तुम नाप लो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या क्या लेना राइटिंग तो अच्छी है तुम्हारी देखो यहाँ से तो ना जितना ही आ रहा है यहाँ से हाँ तो रुक तो जाओ वन से तो करते हैं कितना हो गया आप लेंथ
आज भी मेरी चेस्ट कितनी है पता चल जाएगा। आडू प्रसाद पीछे से क्या टेलर बनेगा रे तू? मुझे बनना ही नहीं है। ऐसे नाप लिया कुछ पता चलता ही नहीं है। एक इंच से स्टार्ट कर रही है नाप लेना भाई, वो स्टार्टिंग से होता है, एक इंच से स्टार्ट नहीं होता। टेलर थी मैं पुराने जमाने। क्या टेलर बनेगी रे तू? तुम्हारे जैसे टेलर हो ना, एक एक इंच फालतू ढीले ढीले कपड़े पहनाओगे सबको। जैसे मैं पहन रही, बदला ले रही है सबसे। हाँ गाइस, मेरा गाना आ चुका है, अगर आपने अब तक नहीं देखा तो मैंने यहाँ पर टैग कर दिया, नीचे लिंक डाल दूँ, तो जाके देख लो। और किस चीज़ की एक्साइटमेंट मैंने बताना ना, तो तुम गिफ्ट देने वाले हो है, और मेरी तरफ से गिफ्ट ले लिया भाई। इतनी इतनी प्यारी ड्रेस इसको दिलाई है, इनफैक्ट मेरे से भी अच्छे लगोगे तुम शायद मेरे बर्थडे पर बैठे। हाइट है 5.9। अच्छा क्या हुआ तुम्हारा पेट मोटा होने की वजह से हाइट कम हो गई? हाइट कम हो गई, वाह भाई वाह, बड़ी 5 फुट हाइट है तुम्हारी बस। वही 5 फुट और मेरी है 5 फुट 7.5। हाँ वो बता दो अपनी भाई। 7.5 थी अभी तक तो 9 थी, फोन पे पता है 9 है मेरी। हाँ तो मुझे लगता था यार 9 है, या तो इंच टेप में 1-2 इंच का फर्क है। फिर भी 7 इंच का तो डिफरेंस रह गई। चलो तो क्या हो गया, आधे फिट छोटी हो तुम मुझसे। पहले ही जान बोझ के इसलिए हील पहन के आती थी, तब नहीं पता चला, आज पता चल रहा। जब मैं साथ में खड़ा हूँ ना, यूँ देखना पड़े मुझे। हाँ क्या ऐसे देखना पड़े नीचे। तो मैं डिलीवरी के बाद भी हील पहनोगे? भाई हील हील का तो सहारा लेना ही पड़ेगा तुम्हें। ये कितने फिट का? आधे फिट का, 1 फिट का होगा।